अरे सुमित्रा जी, आप यहाँ पे? हाँ, पीछे बहुत भीड़ है, मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। मैं विवेक को आगे बुलाता हूँ, आप पीछे आराम से बैठ जाइए। नहीं नहीं विवेक भैया, माया भाभी के साथ आराम से बैठ गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बाकी सब बैठ गए? हाँ सब बैठ चुके। और बेबी जी? बेबी जी भी बैठ गई है। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? रघु, बेला दीदी, ये दरवाजा बंद हो गया है। रघु! अरे रघु, धूप में मारे को काला करेगा काई? चलना जल्दी। माँ, मेरी रस्सी कहाँ? बेबी जी मामा जी कहाँ? अरे कहाँ है, रस्सी रस्सी कर रही है। बेबी जी रस्सी के साथ सुमित्रा के साथ आगे बैठी है। बेला दीदी, रघु, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। कोई है? ये दरवाजा खोलिए, हम बंद हो गए हैं अंदर। रघु रघु चल, गाड़ी स्टार्ट कर। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता ही ना चला हो कि हम यहां रह गए हैं? ओह नो, वो सब निकल तो नहीं गए? नहीं, हम रघु को सुमित्रा के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें यहां से निकलना ही होगा। हमारा फोन, मेरा फोन कहां गया? बेचारी शिवानी तड़प रही होगी, दरवाजे पे अपना सर पीट रही होगी, अपना फोन ढूंढ रही होगी। लेकिन शिवानी, अब तुम्हारा फोन भी मेरे पास है और पति भी, और मैं दोनों ही वापस नहीं करूंगी। मैं तो शायद टेम्पो में ही रह गया, तब तो वो लोग निकल ही गए होंगे, वरना कोई ना कोई तो आ ही जाता। अब हम कैसे निकले यहां से? लैंडलाइन से रघु को फोन करते। अरे ये तो फोन ही दे रहे, ये तो फोन ही काम नहीं कर रहा। माँ, मेरी रस्सी बेबी जी मामी जी के पास है ना? हाँ निसी बेटा, थारी रस्सी बेबी जी मामी जी के पास है, वहाँ चल के ले लेना उनसे। माँ, मैं उनसे एक बार पूछ लूँ? कैसे पूछेगी उनसे, वो तो रघु मामा के साथ सामने बैठी हैं। माँ, मैं खिड़की से पूछ लेती हूँ, पकड़ो। निशी, कितनी जोर से हिटिंग किया तुमने मुझे, तुम वहाँ पे चुपचाप सिटिंग नहीं कर सकती हो? देख नहीं रही हो यहाँ पे टेम्पो मूविंग कर रहा है? एक बार मैं थारे को समझ में ना आवे, बोला ना वहाँ पहुँच कर पूछ लेना। अरे बेला, छोटी बच्ची तो है ना, हो गया। कोई बात कौनी बेटा।